तो दोस्तों आज मैं आपके लिए दुनिया की पांच सबसे महंगी गलतियां लेकर आया हूं, जिनको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन वह चीजें अभी देखते ही देखते तबाह हो गए, जो आपको सोचने में हैरान कर देगी। फैक्ट नंबर वन, मालपासे डैम। फ्रेंच की रैनी नदी पर बना यह डैम अपने बनने के केवल 5 सालों के बाद ही टूट गया। बताया जाता है कि यह बांध जिस जगह पर बना था उस जगह के नीचे काफ़ी सारी विस्फोटक चट्टानें मौजूद थी, और जैसे जैसे बांध में पानी का प्रेशर बढ़ गया वैसे ही बांध में दरारें आना शुरू हो गई। वहाँ की अथॉरिटी इस सब की परवाह न करते हुए उस बात को दबा दिया, लेकिन एक दिन अचानक पूरा डैम टूट गया। इससे निकलने वाला पानी का तेज बहाव आसपास के पूरा गांव को चपेट में ले लिया और करीबन 423 लोग पानी के बहाव में बह गए। फैक्ट नंबर सेकंड, द विलो आइलैंड। अमेरिका में मौजूद ये पुलिंग टावर कंस्ट्रक्शन के समय ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिसके वजह से उसे बनाने में की गई जल्दबाजी को बताया जाता है। और कंस्ट्रक्शन के समय कंक्रीट को न तो सूखने का टाइम दिया गया और न ही इंजीनियर को ठीक से अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय दिया गया, जिसके कारण 27 अप्रैल 1978 को इंकाउन वर्सकस ने अपनी जान दे दी है। फैक्ट नंबर थर्ड, सेकंड नैरोज ब्रिज। इस ब्रिज के टूटने के कई कारण माने जाते हैं, जिसकी शुरुआत तब हुई जब वे क्रेन जो इसके दोनों तरफ के हिस्से को जोड़ रही थी तब अचानक से गिर जाती है, जिसके कारण वो पिल्लर जिस पर यह ब्रिज टिका हुआ था वो वजन को सह नहीं पाया और ये बड़ा हादसा हो गया। और उस पिल्लर को बनाने में काफ़ी सारे खराब मटेरियल लिया गया था, जिसके कारण वो ब्रिज कई हिस्सों में टूट टूट कर समुद्र में गिर जाता है, जिससे तकरीबन 18 मजदूरों की मौत हो जाती है। बाद में वापस इस ब्रिज को बनाया गया तो उस मजदूर की याद में इस ब्रिज का नाम आयरन वर्कर्स नैरो सेकंड रखा गया। फैक्ट नंबर फोर, हॉगस नेशनल टनल। वर्जीनिया में मौजूद टनल्स दुर्घटना की शिकार नहीं हुई है, पर आज भी ऐसी ही सही सलामत अपने जगह पर मौजूद है। पर इसके बावजूद इसे इतिहास के सबसे अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टनल्स की डिज़ाइन की वजह से यहां पर काफ़ी मात्रा में सिलिका मिली, जो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो उनको बहुत घातक करता है। बावजूद इसके अंदर कई गरीब मजदूर यहाँ पर काम करने आए, जिस वजह से कई बीमारियों का शिकार होने की वजह से 2000 अधिक लोगों की तकरीबन जान चली गई। फैक्ट नंबर फाइव, लोटस रिवर साइड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के गिरने का कारण इसके पास में बहती नदी को माना जाता है, लेकिन इसके असर कुछ और ही है। इस बिल्डिंग की पार्किंग के लिए इसके आसपास की जमीन को खोदा गया तो उससे निकलने वाले मिट्टी को उस नदी में डाल दिया गया, जिसके कारण नदी में आई रुकावट पूरी वेट में बदल गया, और जब वो गीली जमीन या उस कॉम्प्लेक्स के वजन से नहीं संभाल पाई तब 2009 में वो बिल्डिंग पूरी तरह जमीन में गई, और जिसके कारण वह मौजूद एक वर्कर्स मारा गया। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, पर आपको लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर में लिखोगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर लो।